महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए सब्सक्राइब करें हेल्पिंग आई टीवी को तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी बनाए हुए लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू हेल्पिंग आई टीवी। फ्रेंड्स, कई बार गर्भवती महिलाओं के मन में यह सवाल आता होगा कि क्या गर्मियों में केसर दूध पिएं या केसर खाएं या नहीं, और किस समय खाएं। आज के इस वीडियो में मैं कुछ बेहद ज़रूरी टिप्स बता रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो केसर दूध बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में केसर का सेवन करने में बहुत ही सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्योंकि केसर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। गर्मियों के मौसम में आप यदि केसर खाती हैं या केसर दूध पीती हैं तो आप आधा से एक धागा ही रोज़ खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। इससे बहुत ही गर्मी बढ़ती है शरीर में, और यह गर्मी बच्चे के ब्रेन में भी गर्मी भर सकता है, और कई बार यह गर्भपात का कारण भी बन जाता है। इसलिए केसर बहुत ही कम और बड़े ही हिसाब के साथ खाएं। यदि आप नियमित केसर दूध पीती हैं तो इसे आप सुबह या रात में ही पिएं, दोपहर में ना पिएं, क्योंकि सुबह और रात का वातावरण दोपहर के वातावरण से ठंडा होता है और ये एकदम से तेज़ी से प्रभाव अंदर नहीं डालता है। गर्भावस्था के आखिरी महीनों में गर्मियों के मौसम में केसर खाना बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि यदि आप बच्चे के गोरे होने के लिए केसर खाती हैं तो यह बच्चे पर शुरू के 4 से 5 महीने में ही अपना असर दिखाता है, बाद में केसर का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, यदि आप सर्दियों में इसे खा रही हैं तो इसे आप पूरे महीने भी खा सकती हैं, और सर्दियों में यह फ़ायदेमंद भी होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।